वेलकम टू माई चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाई फूडीज, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं फिर से लेके आई हूँ बहुत सारे किचन टिप्स और छोटी छोटी रेसिपीज़, लेकिन बहुत ही काम की। देखिए, हैं तो ये छोटे छोटे टिप्स, लेकिन ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें किचन में बहुत हेल्प करते हैं, और ये रेसिपीज़ जो शायद ही आपने पहले कभी ट्राई की होंगी। तो चलिए फिर मेरे साथ वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी है उसे जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल होता है। ये कॉमन प्रॉब्लम होती है, यही नहीं पता चलता कि बेकिंग पाउडर कौन सा है और बेकिंग सोडा, क्योंकि दोनों टेक्सचर में एक होते हैं। तो चलिए आज मैं बताने जा रही हूँ आपको पहली टिप कि आप कैसे डिफरेंस कर सकते हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, और दोनों का यूज़ किस तरीके से किया जाता है फूड में, कौन सा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो चलिए फिर मेरे साथ शुरू करते हैं इस टिप को। यहाँ पर मैंने 2 कटोरियों में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ले लिया है। देखने में आप बिल्कुल पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब हमें करना ये है इनको चेक करने के लिए। सबसे पहले लूँगी मैं उंगली में यहाँ पर बेकिंग पाउडर, तो एकदम ये फाइन पाउडर है, जैसे टेलकम पाउडर होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। दूसरा जो है ये है बेकिंग सोडा, ये थोड़ा सा करकरा सा होता है, यानी दरदरा सा, जैसे हम नमक पीस लेते हैं ना, उसके बाद जो हल्का सा दरदरापन होता है। अब इससे भी आसान तरीका बताती हूँ मैं इन दोनों में किस तरीके से आप डिफरेंस करें। देखिए, आप 2 कटोरियों में पानी ले लीजिए, इसमें डालिए चुटकी भर पाउडर। मैं तो आधा चम्मच डाल रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन चुटकी भर में ही आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से पानी में डालिए, इस तरीके से जब झाग होना शुरू हो जाएगा, ये रिएक्शन करता है, ये देखिए इसमें बुलबुले से उठ रहे हैं और पानी भी एकदम वाइट हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये है हमारा बेकिंग पाउडर। अब मैं दूसरे बाउल में डालूंगी आधा चम्मच ये बेकिंग सोडा। इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, ध्यान रखना, ना ही इसका पानी वाइट होता है ज़्यादा, हल्का सा वाइट होगा। और आप देख सकते हैं कि इसके तले में नीचे जाके बेकिंग सोडा बैठ गया है, तो इन दोनों में ये अंतर होता है। अब बात आती है इनके यूज़ की। तो बेकिंग पाउडर जो है वो मोस्टली बेकिंग के लिए यूज़ होता है, जबकि बेकिंग सोडा जो है वो हमारे किचन में हमेशा रहता है, क्योंकि इसको हार्ड चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे बॉयल करना है हमें राजमा या छोले, उनको जल्दी से बॉयल करना है तो ईजिली बॉयल हो जाते हैं, या फिर हमें किसी चीज़ का डो लगाना है, भटूरे या फिर ब्रेड, तो उसमें भी इसका यूज़ होता है। तो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। आप बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। अब बना लेते हैं झटपट से बनने वाली एक छोटी सी रेसिपी, खाने में बहुत ही मज़ेदार और थोड़ी सी स्पाइसी भी। इसे आप इंस्टेंट मिर्च का अचार भी कह सकते हैं या फिर मसाला मिर्च भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है ये हरी मिर्च, जिन्हें हम डेली यूज़ करते हैं। अच्छे से धो लिया है मैंने इनको, सुखा लिया है। अब हमें इन पर कट लगाना है बीच से। ध्यान रखिएगा, डंडी हमें साथ में ही रखनी है इसकी, तो बस इस तरीके से हमें इन पर कट लगा देना है। तो ये देखिए, ये डबल हो गई यहाँ पर मिर्च। अब हम फटाफट से इन्हें छौंक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, 1 चम्मच सरसों का तेल डालूंगी, सरसों का तेल ही डालिएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इससे। और 1 छोटी चम्मच डाली है मैंने इसमें सरसों। और अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर डालेंगे डायरेक्ट ये कटी मिर्ची। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ढक्कन लगाइएगा सामने, क्योंकि मिर्च जो है वो उछलती है और इसका तीखा भी उड़ता है, तो आपको लग सकता है, इसलिए आप इस तरीके से ढक्कन लगा के इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। जब थोड़ा सा 1 मिनट ये भुन जाए लो मीडियम फ्लेम में, तो हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि जो मिर्च है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट हो चुका है, मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, तो अब डालेंगे हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक। डालेंगे इसमें 1/2 छोटी चम्मच ये धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच डालूंगी मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए डाल रही हूँ, बहुत अच्छा कलर दिखता है इससे। और इसमें डालूंगी 1/2 छोटी चम्मच ये हल्दी, और बस इसको थोड़ा सा हम इसमें भून लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर। देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मिर्च के अचार में या सब्जी में। इससे क्या होता है, मिर्च का टेस्ट बैलेंस हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बस अब हम इसमें निचोड़ेंगे 1/2 नींबू का रस, और बस फटाफट से मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम गैस ऑफ करके निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए, इसे आप इंजॉय कर सकते हैं दाल चावल के साथ, पराठों के साथ, सब्जी रोटी के साथ। अगर आपको तुरंत ही जूस निकालना है और ना ही आपके पास हैंड जूसर है और ना ही इलेक्ट्रॉनिक जूसर, तो क्या किया जाए, कैसे निकाला जाए जूस, और आपको तुरंत ही चाहिए, तो देखिए इसके लिए आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया टिप शेयर करने जा रही हूँ। आप संतरे ले लीजिए, इस तरीके से 2 टुकड़ों में काट लीजिए। अब आपको लेनी है 1 प्लेट,
और साथ में लेना है गिलास, जो भी स्टील का गिलास आपके पास है आपको इस तरीके से प्लेट में उल्टा करना है और फिर उसके बाद संतरों को इस तरीके से गिलास के ऊपर रब करना है। ये देखिए, तो आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में पूरा जूस निकल आता है, पूरा ये छिलका आप देख सकते हैं क्लीन हो गया है। बहुत आसान टेक्निक है ये। क्या होता है कि घर में बहुत छोटे बच्चे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं या बीमार होते हैं, तो उनको हमें जूस ही देना होता है और जूस हमें तुरंत निकालना होता है, जूसर हर किसी के पास नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें, तो ये टिप आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसान है और गंदगी भी नहीं होती है, फटाफट से हम जूस निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये निकाल दिया है दो संतरों का जूस, इस तरीके से इसको छान लेंगे और एक्स्ट्रा हटा देंगे। तो ये देखिए इंस्टेंट जूस हमारा तैयार हो गया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम चुटकी भर काला नमक, मिक्स कर लेते हैं और बस इसको अब आप इंजॉय कर सकते हैं। अब बनाऊंगी मैं इस पेपर से बटर पेपर। देखिए बहुत काम की टिप है ये। कभी कभी क्या होता है कि अचानक से हमारा केक खाने का मन करता है या बच्चों का, तो हमें तुरंत केक तो बनाना है लेकिन बटर पेपर हर बार घर पे नहीं होता है। बहुत आसान तरीका है बटर पेपर बनाने का। तो देखिए इस तरीके से प्लेन पेपर ले लीजिए, लिखा हुआ बिल्कुल ना हो उसमें। तो इस तरीके से हमें आगे पीछे से प्लेन पेपर लेना है पूरा, फिर इसके ऊपर अप्लाई करना है बटर, घी या फिर तेल, अच्छे से लगा देना है हाथ से या फिर ब्रश से। और ये देखिए अच्छे से जब हम इसे लगा लेंगे तो उसके बाद हमें इसे टिश्यू पेपर से पोंछना है। तो मैंने ये सारा तेल अप्लाई कर दिया है। अब टिश्यू पेपर लेंगे, जो इसके ऊपर एक्सेस ऑयल है ये सारा निकल जाएगा। तो हमें जो ये एक्स्ट्रा तेल है इसे पूरा रिमूव करना है। तो इस तरीके से इसे साफ़ कर लीजिए। देखिए हर केक में मैं कहती हूँ कि बटर पेपर लगाना है नीचे, ताकि केक जो है ईजिली डीमोल्ड हो जाए। तो इस तरीके से बटर पेपर आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये लीजिए रेडी हो गया हमारा यहाँ पर बटर पेपर। अब चलिए एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक सी रेसिपी शेयर की जाए। केवल 5 मिनट में बनने वाला गार्लिक बटर पराठा बहुत ही ट्रेंडिंग है आजकल। देखिए इसको बनाएंगे हम विदाउट डो के। बच्चे भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इन पराठों की सबसे ज़्यादा खासियत ये होती है कि ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और इन्हें आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया है बटर, इसमें डालूंगी मैं ये ग्रेटेड 4 से 6 कलियां लहसुन की और थोड़ा सा धनिया मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब हमें पराठों का बैटर तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने बाउल ले लिया है, इसमें डालूंगी मैं 1 कप मैदा और 1 कप डालूंगी गेहूं का आटा। आप चाहे तो गेहूं के आटे से भी डायरेक्ट बना सकते हैं या फिर मैदे ही मैदे के पराठे भी बना सकते हैं। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी। अच्छे से हमें इसका एक घोल तैयार करना है, जैसे हम डोसे का घोल तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैंने इस तरीके से ये घोल तैयार कर लिया है। कंसिस्टेंसी देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम फटाफट से नमक ऐड कर लेते हैं स्वाद के अनुसार। आधी चम्मच डालूंगी हल्दी, आधी चम्मच डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, आधी चम्मच डालूंगी पिज्जा सीजलिंग। देखिए चिली फ्लेक्स और पिज्जा सीजलिंग दोनों ही ऑप्शनल है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें ये जो बैटर वाला हमने मिक्सचर तैयार किया था वो। तो इस तरीके से हमने सब चीजें मिक्स कर लेनी है अच्छे से। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी और ये देखिए यहाँ पर रेडी हो गया है बैटर। तो फटाफट चलते हैं पराठे बनाने की तरफ। अब लेना है यहाँ पर हमें नॉनस्टिक तवा या फिर नॉनस्टिक आप पैन भी ले सकते हैं। ये पराठे बनेंगे नॉनस्टिक तवे पे ही। बस इस तरीके से एक करछी डालेंगे बैटर और इसके बाद लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे सेक लेंगे। तो बस इस तरीके से ये देखिए ऊपर से सिकने लग गया है। उसके बाद हम इसे टर्न कर लेंगे और लो मीडियम फ्लेम ही रखेंगे हम, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से मैंने ये टर्न कर लिया है, नीचे से भी थोड़ा सा सिकने देंगे और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर घी। तो पहले इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा हम स्पैचुला से दबा लेते हैं और इसके ऊपर या आप तेल लगाइए या घी या बटर, जो भी आपको लगाना है। अगर आप नहीं लगाना चाहते तेल या घी तो आप इनको डायरेक्ट ऐसे भी सेक सकते हैं। तो बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैंने लगा दिया है इसके ऊपर घी और यहाँ पर ये जो पराठा है हमारा फटाफट से बनके तैयार हो गया है। तो बस इसी तरीके से हम सारे पराठे बना लेंगे। बस लो मीडियम फ्लेम रखिए और झटपट से ये जो पराठे हैं वो बनके तैयार हो जाते हैं। बच्चे भी इन्हें बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जब भी भूख लगे तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। टिफ़िन में आप दे सकते हैं, ऑफिस में दे सकते हैं हस्बैंड को, या खुद आप वर्किंग है तो भी आप ऐसे पराठे बना के ले जा सकते हैं।
ट्रैवलिंग में जाना है तब के लिए तो ये पराठे बहुत ही बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम तक सॉफ्ट रहते हैं, यही इनकी एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी होती है। तो बस ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे पराठे तैयार कर लिए हैं। तो देखा आपने कितना आसान था इनको बनाना, और जो हमने ये मसाला मिर्च बनाया था या फिर मिर्च का अचार बनाया था, इसको भी मैंने साइड में रख दिया है, और आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं। तो आप इंजॉय कर सकते हैं सब्जी के साथ, दाल के साथ, या फिर इस तरीके से ये जो मैंने मसाले वाली मिर्च आपको बताई थी उसके साथ। और ये देखिए आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल भी ये टूटते नहीं हैं, बहुत आसान है इनको बनाना और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ये खाने में भी। तो एक बार इनको बनाना तो बनता है, ट्राई ज़रूर करिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपीज़ और टिप्स अच्छे लगे हों। अगर अच्छी लगी हो वीडियो ज़रा सी भी, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि इसी तरीके की आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी।